the earlier video i explained explained you the poem nine athletes so in this video i'm going to take the grammar part of this lesson given on page number 104 hum baat karte hain yahan par adverb ki adverb aapko malum hai jo meaning add karta hai verb mein adjective mein ya dusre adverb mein अब adverbs कितनी तरह के होते हैं अगर हम बात करें adverb of time सबसे पहले Adverb of time जो कौन से question का answer देगा वेन कब और इसमें कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम में नाउ सुन डेली समटाइम्स सेकेंड है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर जो हमें किस क्वेश्चन का आंसर देता है हाउ ठीक है अब जैसे हम कहते हैं सच इन वर्क क्वाइटली कैसे काम करता है क्वाइटली सो सॉफ्टली लाउडली इजिली केयरफुली ये सारे हमारे हो जाते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर फिर हम बात करते हैं डिग्री की ये कौन से क्वेश्चन का आंसर देगा हाउ मच तो कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री में कम्प्लीटली वेरी क्वाइट इंटायरली ऑलमोस्ट फुली फिर हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस की नाम से ही पता लगता है कौन से क्वेश्चन का आंसर देगा वेयर इसमें कौन कौन से एडवर्ब ऑफ प्लेस में कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं इनसाइड आउटसाइड हेयर एवरीवेयर नियर फिर हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की मतलब कितनी बार हाउ ऑफन इसमें कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं आपके रेयरली ऑफन फ्रीकुंटली यूजली सेल्डम नेवर फिर हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव वर्ड एडवर्ब्स की जो हमें क्वेश्चन पूछेगा रिगार्डिंग टाइम मैनर और प्लेस राइट तो इसमें कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं मालूम ही है आपको वैन हाउ वॉट फिर हम बात करते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स की इसमें कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं जैसे वेन एवर वेन वेयर वाई ये हमारा हो जाएगा रिलेटिव एडवर्ब्स अब देखिए अब सेंटेंस एडवर्ब्स क्या है वो वर्ड word, वो वर्ड्स हैं जिसमें हम एल वाई एड्स करेंगे एडजेक्टिव को जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं क्लियरली द सेम वेल एंड वन द कॉम्पिटिशन सो क्लियरली वर्ड हमारा क्या है यहाँ पर सेंटेंस एडवर्ब राइट लेट्स बिगिन विद एक्सरसाइज ए रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज द एडवर्ब्स आर इन बोल्ड लेटर्स देयर काइंड वो कह रहे हैं बोल्ड लेटर में एडवर्ब दिया गया है आपको सिर्फ उसकी काइंड बतानी है सो फर्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस में हाउ डिड यू फाइंड माई रूम सो हाउ इज इंटेरोगेटिव एडवर्ब सेकेंड इज ब्रेकफास्ट इज ऑलमोस्ट रेडी सो एडवर्ब इज ऑलमोस्ट एंड दिस इज एडवर्ब ऑफ डिग्री थर्ड इज ऑब्वियसली इट इज टू हॉट टू गो आउट दिस इज सेंटेंस एडवर्ब मैंने लिखा नहीं है गलती से आप इसको करेक्ट करेंगे यहाँ पे लिखेंगे सेंटेंस एडवर्ब करेक्शन टू बी मेड हि फोर्थ सेंटेंस है आपका

इन एंगर की जगह आप क्या लिखेंगे एंगरली राइट सेकेंड दिस डिस्कशन विल गो ऑन विदाउट एन एंड तो विदाउट एन एंड की जगह आप लिखेंगे एंडलेसली थर्ड नदीम वॉकड वेरी फास्ट टू वर्ड द स्टेट टू रिस अवॉर्ड सो इंस्टेड आर वी सपोज टू राइट ब्रिस्कली फोर्थ इंग्लिश इज स्पोकन थ्रू आउट द दर्ल्ड सो इंस्टेड हम क्या वर्ड लिखेंगे वर्ल्ड वाइड फिफ्थ द जूसर इज ऑपरेटेड बाई हैंड सो बाय हैंड की जगह हम लिखेंगे मैनुअली सिक्स द मेडिकल एंड द इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स वर टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम एट द सेम टाइम के लिए आप क्या लिखेंगे साइमल्टेनियसली माई पैट वॉज क्वाइट इल बट ही रिकवर्ड इन द एंड इन द एंड के लिए हम क्या यूज करेंगे इवेंचुअली एट्थ महेश वेन टू द ऑर्फनेज टू हेल्प द चिल्ड्रन ऑफिस ओन फ्री विल मतलब अपनी मर्जी से इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे वॉल्टरली अब डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन में आपको पता है डिग्रीज में थ्री डिग्रीज है पॉजिटिव कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव इस एक्सरसाइज में हमें वही डिग्रीज यूज़ करनी है तो फर्स्ट सेंटेंस फर्स्ट देखिए संजना इज़ वर्ड है कॉन्फिडेंट आपका तो इसकी अलग अलग डिग्री यूज करेंगे संजना इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ आर डांसिंग स्किल आन्या इज मोर कॉन्फिडेंट दैन राहुल सोना इज़ द मोस्ट कॉन्फिडेंट ऑफ द थ्री सेकेंड सेंटेंस क्लास थर्ड ए वॉज Quieter than class 4th A, that is located in the same corridor, but class 5th B was the quietest third. The post office is far from school, the bank is farther from the school, my house is the farthest from school. So, here I finish with the exercise of lesson number 14, which is a poem. नाइन एथलीट्स सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन टू प्लीज कम्प्लीट एक्सरसाइज इन द बुक इट सेल नोटबुक में नहीं करनी है आपको और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर और वर्ड बीनिंग डिस्कस करेंगे बाई देन आपको अपना ये सारा वर्क कंप्लीट करना है और पोएम को अच्छे से समझना है थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू ऑल